बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यानी कि गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान से बिन बुलाए मुसीबत मोल ले ली है। बोकारो की एक रैली में उन्होंने कहा कि जो कोई भी नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है वो पाकिस्तान का समर्थक है। मुमकिन है कि इस बयान के बाद चुनाव आयोग की नज़र गिरिराज सिंह की ओर टेढ़ी हो सकती है। देश का अगला पीएम बनने के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जीतोड़ कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। मोदी को भरोसा अपने उन सिपहसालारों से भी है जिनके समर्थन से उन्हें और ताकत मिल रही है। मोदी के उन्हीं कर्मठ सिपाहियों में से एक हैं बिहार के दिग्गज बीजेपी नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, कई बार बयान से बवाल मचा चुके हैं। झारखंड के बोकारो में भी एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अपने सेनापति मोदी की तारीफ जमकर की, लेकिन आलोचना करने वालों के लिए विवादित बोल बोल गए। उन्हें सीधा पाकिस्तान परस्त बना दिया। जो लोग पाकिस्तान परस्त, वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेके, वो वही लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है, राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, झारखंड की भूमि पर आपने पीएम सिंह को पहले भी अपना समर्थन दिया है, लेकिन इस बार पीएम सिंह के साथ साथ देश में नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए और पाकिस्तान को धूल मिटाने के लिए गिरिराज सिंह के इस बयान से हंगामा तो मचना ही था, मचा भी। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो बेगूसराय से टिकट न मिलने की वजह से बगावती मूड में आए थे। राजनाथ सिंह के घर पर भी फजीहत हुई थी, लेकिन मोदी के नाम पर सब कुछ सहने की ताकत का सबूत देकर हर बार बचते रहे। देखना है कि इस बार पार्टी गिरिराज के बयान पर क्या रुख अपनाती है। बोकारो से दीपक के साथ आज तक ब्यूरो। और बीजेपी ने गिरिराज सिंह के विवादित बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी गिरिराज सिंह के दिए बयान को स्वीकार नहीं करती। ट्विटर पर ये बात कही है सुशील कुमार मोदी ने।